नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 87वां बलिदान दिवस मनाया समारोह पूर्व भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया याद, मोमबत्तियां जलाकर दी श्रद्धांजलि। चुनावी साल में घोषणाओं का लगा अंबार, होमगार्डों का बढ़ाया मानदेय, अनेकों संगठन पहुंचे, मुख्यमंत्री राजे का आभार जताने। आप पार्टी को मिली हाईकोर्ट से राहत, चुनाव आयोग की सिफारिश को किया खारिज, 21 विधायकों की अयोग्यता का है मामला। और जवाहर सर्किल पर असामाजिक तत्वों ने फूंकी कारें, कई गाड़ियों के तोड़े शीशे, पुलिस जुटी अपराधियों की तलाश में। और अब समाचार विस्तार से। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 87वां बलिदान दिवस समारोह 23 मार्च को जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर के भगत सिंह चौराहे पर बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जोश ग्रुप एवं उड़ान सोसाइटी और शहीद बलिदान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा भगत सिंह प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान अलवर पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने भी मोमबत्ती जलाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए युवाओं को उनसे सीख लेने का आह्वान किया। आज के इस दिन में, जबकि शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत की पूर्व संध्या पे हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि इस महान शहीद और भारत माता के पुत्र के लिए जो हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, यह एक प्रेरणा का दिन है और एक प्रतिबद्धता का दिन है। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि हमारे युवा बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और बतौर पुलिस अधीक्षक मैं देखता हूँ कि हमारे नवयुवक जो हैं वो छोटे छोटे आकर्षणों में अपने आप को मोहित करके जो रास्ता उन्हें चुनना चाहिए उससे भटक रहे हैं, उस समय इस तरह का कार्यक्रम जो है हमारे युवाओं को ज़रूर एक नया रास्ता दिखाएगा और एक नया संदेश। शहीद आजम भगत सिंह है, ये लोग इतने बड़े प्रतीक है कि हमें और किसी प्रतीक की आवश्यकता ही नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने सारे महान लोगों की, शहीदों की, और जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया भारत की आज़ादी के लिए, उनकी प्रेरणा है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम छोटे छोटे आकर्षणों की तरफ जाएं। आज का दिन हमें यह प्रतिबद्ध होने का है, यह वचन देने का है अपने देश को, अपनी भारत माँ को, कि हम लोग शहीद आजम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और अपने देश में जितने भी विघटनकारी तत्व हैं, चाहे वो प्रांतवाद हो, भाषावाद हो, जातिवाद हो, धर्म का हो, इनको हम तिलांजलि देंगे। जय हिंद। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली, इतिहासविद हरिशंकर गोयल, सभापति अशोक खन्ना, कर्मचारी नेता मूलचंद गुर्जर, उपभोक्ता संरक्षण समिति से राजेश कृष्ण से सहित प्रमोद मलिक और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद किया गया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज भगत सिंह जी की शहादत के अवसर पर आज यहाँ पे पूर्व संध्या पे हर वर्ष ही कार्यक्रम होता है और जोश ग्रुप के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ जोश ग्रुप को और उड़ान सोसाइटी को जो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो भगत सिंह के नाम से जो प्रेरणा मिलती है, वो पहली प्रेरणा युवाओं को मिलती है और एक युवाओं के अंदर जज्बा पैदा होता है अपने देश के लिए कुछ करने का, अपने देश के ऊपर मर मिटने का, देश के ऊपर जो अंग्रेजों का जो राज था उस राज को जिस प्रकार युवाओं ने इस आज़ादी के अंदर शामिल होकर उखाड़ के फेंका है, आज वही जरूरत युवाओं को फिर से कि देश के अंदर जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसको उखाड़ फेंकने के अंदर भी युवा आगे बढ़े और सही मायने में भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि युवाओं की तरफ से ये हो। वहीं भगत सिंह सर्किल पर शुक्रवार को शहीद दिवस के मौके पर भक्ति गीत कार्यक्रम भी रखा गया। यहां मुख्य अतिथि भंवर जितेंद्र सिंह सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं हुकम रौनक एंड पार्टी के द्वारा भक्ति गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्यार की
पंडित के भजन बिक जाते हैं, पीते हैं पंडित के भजन बिक जाते हैं। स्कूल अच्छा है के दाखिल किसमें हर कौम के इंसान का बच्चा है। यहाँ से नूर रहती है हर एक मजहब की दीवार। यहाँ का प्यार मजहब है, यहाँ हर चीज है प्यार। का अभिनंदन हमारे देश में हिंसा और अहिंसा दोनों का ही आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है। हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद को हम सब याद करते हैं, लेकिन अलवर के क्रांतिकारी पंडित बिशंबर दयाल, जिन्होंने की कैंप से बहुत बड़े आंदोलन लड़े और काकोरी कांड में भी रहे और आपको भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के प्रकरण में भी रहे, उनको हमें याद जरूर करना चाहिए। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के मौके पर उनका 87वां बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है। अलवर में कार्यक्रम पिछले 34 सालों से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर फांसी के तख्ते पर चढ़कर अपनी आहुति दी, अंग्रेज सरकार को भार बुलाया। हमें दुख इस बात का है कि आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों में जो भी सरकारें आई है उन्होंने शहीदों की कुर्बानियों को बड़े शर्मिंदगी पूर्वक भुलाने का प्रयास किया गया है। बड़ा अजीब देश बन गया है। उन शहीदों को हम याद करें, उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट एवं भारतीय सिंधु सभा के द्वारा सिंधी धर्मशाला दाऊदपुर में अमर शहीद हेमू कालानी का 95वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें विधायक श्री रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा ने अमर शहीद हेमू कालानी के जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा देकर शहीद किया गया था। हेमू कालानी सच्चे देशभक्त के रूप में शहीद हुए थे। आज उनके शहीद दिवस पर समाज के सभी पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पुष्प अर्पित किए गए और अमर शहीद हेमू कालानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष सिंधी समाज तेजूमल रामचंदानी, खुशाल दास पोपटानी, चंदूमल बोधवानी, मीडिया प्रवक्ता महेश निहालवानी, ब्रजेश सुखवानी, सुभाष नेलानी, देवानंद बोधवानी, राजा कौर जनी, विशाल गांधी, भारत बोधवानी सहित समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज भारतीय सिंधु सभा जिला अलवर की तरफ से मतलब जो है अमर शहीद हेमू कालानी का जन्मोत्सव एवं शहीदी दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह जी एवं शहीद सुखदेव जी और शहीद राजगुरु जी का शहीदी दिवस माना, उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनको शत शत नमन किया गया। श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट के पदाधिकारी सभी यहां पर मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष तेजुमल जी रामचंदानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप जी, सचिव ब्रजेश जी सुखवानी, सचिव देवानंद जी, वेला कमेटी अध्यक्ष राजकुमार कोरजानी इत्यादि मतलब जो है यहाँ पर सब मौजूद हैं। हमारे सिंधियों के शहीद, जो कि ये कहा जाए कि सबसे कम उम्र के मात्र 19 साल की उम्र में उनको मतलब जो है फांसी दी गई, सिंधियों की शान और सरताज माने जाते हैं। भारतीय सिंधु सभा के बैनर तले ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें मतलब जो है श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट का भी पूरा योगदान।
गोविंदगढ़ कस्बे में शहीद दिवस पर जन जागृति मंच के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। तिरंगा रैली की शुरुआत भगत सिंह सर्किल से की गई, जिसका समापन गांधी पार्क स्कूल में किया गया। रैली में भारत माता की झांकी सजाई गई, जिसके साथ युवा तिरंगा लेकर आगे चल रहे थे। स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिया हुआ था। तिरंगा रैली का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। तिरंगा रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीदों का बलिदान याद करेगा के नारे लगाए गए। रैली के गांधी पार्क में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। और भजन जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो रात्रि में सबसे बढ़िया आमों को समय गुजारने का साधन मिल जाती है। भजन की भी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मुलाकात की और राज्य बजट तथा विभिन्न अवसरों पर की गई जन कल्याणकारी घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमने सभी की आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए ऐसे फैसले किए हैं जिसमें लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए होम गार्डों ने अपने मानदेय में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष झलकन सिंह राठौर के नेतृत्व में आए इन होम गार्ड्स ने कहा कि विभाग के गठन के बाद से पहली बार किसी सरकार ने होम गार्डों का इतना मानदेय बढ़ाया है। इससे पूरे प्रदेश के 30,000 से अधिक होम गार्ड्स तथा उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में भी राजस्थान में होम गार्ड्स का मानदेय अब बेहतर हो गया है। संगठन की विभिन्न जिला शाखाओं से आए पदाधिकारियों ने मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं राज्य ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने पर आभार व्यक्त करने आए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों से कहा कि वे औषधीय पौधों को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करें, इससे किसानों को बड़ा लाभ तो मिलेगा, साथ ही इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के लिए पौधों की सहज उपलब्धता भी हो पाएगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सेठिया ने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस पद्धति को मान्यता दी है। प्रदेश के सभी जिलों से आए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने राज्य का आभार जताया। इस अवसर पर विधायक मोहनलाल गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर द्वारा बीमार गायों की सेवा के लिए एम्बुलेंस को फीता काटकर रवाना किया। राजा ने कहा कि बीमार गो धन की सेवा पुण्य का काम है, इस कार्य में अन्य सेवाभावी संगठनों को भी आगे आना चाहिए। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी इस अवसर पर मौजूद थे। अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट में राहत मिली है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने विधायकों की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आयोग से कहा कि इस मामले में दोबारा सुनवाई की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत बताते हुए फैसले का स्वागत किया। 19 जनवरी को लाभ का पद रखने पर चुनाव आयोग ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी थी, जिसे मंजूरी मिलने पर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि आप विधायकों को अयोग्य करार देना कानूनी तौर पर गलत था। चुनाव आयोग ने सुनवाई के नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही मुख्य आयुक्त रहे ओपी रावत के दोबारा सुनवाई में शामिल होने की बात भी नहीं बताई, इसलिए 19 जनवरी का ऑर्डर रद्द किया जाता है। आयोग दोबारा मामले की सुनवाई करे। इस मामले में अयोग्य घोषित होने पर 8 विधायकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने केंद्र के अयोग्य घोषित करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग से पूछा कि ये फैसला किन तथ्यों के आधार पर लिया गया।
उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर ट्वीट कर कहा कि यह सत्य की जीत है। जनता के चुने हुए विधायकों को गलत तरीके से अयोग्य ठहराया गया। कोर्ट ने दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ किया है, यह उनकी भी जीत है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के बजट सेशन में विधायकों को राहत मिलने की बात बताई। इसके बाद सदस्यों ने मेज थपथपाकर फैसले का स्वागत किया और विधायकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ही 8 सितंबर 2016 को विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया था। इसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने आप विधायकों की शिकायत चुनाव आयोग से की। साथ ही पिटीशन में इसे लाभ का पद मानते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। जयपुर शहर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में बीती देर रात बदमाशों ने आधा दर्जन गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की तथा 2 को आग भी लगा दी। इस वारदात के बाद लोगों में काफी रोष है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रही है। जवाहर सर्किल थाना इलाके के छत्रसाल नगर, JDPG कॉलेज और सरस्वती नगर में बीती रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने इन जगहों पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कुछ जगहों पर लोग जाग गए, जिनके बाहर आने पर बदमाश भाग निकले। बदमाशों ने छत्रसाल नगर में घरों के बाहर खड़ी 2 कारों को आग भी लगा दी। बदमाशों ने कारों पर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। जहां वारदात हुई वहां 1-2 जगहों पर CCTV कैमरे लगे थे। ऐसे में पुलिस को इनसे ज्यादा मदद नहीं मिल पाई क्योंकि वहां अंधेरा ज्यादा था। 1 कैमरे में 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंधेरे के कारण पुलिस को ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही। गाड़ियों में तोड़फोड़ को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में पुलिस गश्त नहीं करती। वहीं स्ट्रीट लाइट ना होने से भी रात को काफी अंधेरा रहता है। 10 बार फोन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं। रात भर लोग कॉलोनी के आसपास दारू पीते बैठ के, कोई रोकने वाला नहीं उनको। दारू के नशे में फिर कोई लाइटें खंभों पे लाइटें नहीं, आसपास अंधेरा रहता है। इधर उधर दारू पी के उत्पात मचाते कॉलोनियों में सब लोग। राजस्थान के राजसमंद स्थित देवगढ़ क्षेत्र में अपराधियों में पुलिस का कितना डर है, इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि कल देर रात सोहनगढ़ गांव में 2 लोग JCB लेकर आए और मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर मकान में मौजूद दंपति से मारपीट भी की, यहां तक कि गर्भवती महिला से धक्का मुक्की करके उसे गिरा दिया गया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए कालू सिंह और जसवंत सिंह ने JCB से मकान के बाहर बने 2 कमरे, रसोई और कार को तोड़ डाला। परिवार के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर आए, तब तक आरोपी JCB लेकर फरार हो गए। आज सुबह पीड़ित दंपति देवगढ़ थाने पर पहुंचे और 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं सुबह गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर उसे देवगढ़ चिकित्सालय भेजा गया। देवगढ़ पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मेरे घर पे रात में ब्यावर से आ रहा था, तब मैंने रास्ते मेरे फोन आया सिस्टर का, बोले घर पे तोड़फोड़ हो रही है और गाली गलौज हो रहा है। तो फिर जैसे भी सारे घर तोड़फोड़ कर दी और गाड़ी को तोड़ दी और लेडीज लोगों का हमला किया JCB से। तो फिर वो भाग गए, तो फिर पिस्तौल विस्तौल लेके तरवार वर से बहुत बार किया था और अभी तक कोई मेडिकल डिकल नहीं हुआ है। गुजरे जमाने की बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में एक कारोबारी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री ने पुलिस को शिकायत में कहा कि यह कारोबारी 1 महीने पहले से उसका पीछा कर रहा था। इसके अलावा वो फोन पर कई बार धमकियां भी दे चुका है। अभिनेत्री ने कहा कि वो अक्सर व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजता था। अब इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। आरोपी कारोबारी को गुरुवार को रात पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जीनत अमान ने आरोपी कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। इससे पहले जनवरी में जीनत अमान ने आरोपी के खिलाफ दुर्व्यवहार और धमकाने के आरोप लगाए थे। पुलिस अब इस मामले में हर पहलू की तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कारोबारी सरफराज उर्फ अमन खन्ना जीनत अमान का कई दिनों से पीछा कर रहा था। उस पर जीनत के घर में जबरदस्ती घुसकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने के भी आरोप है। इससे पहले जू पुलिस ने आरोपी सरफराज के खिलाफ पीछा करने, 354D और महिला को सरेआम धमकाने के खिलाफ 509 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुराने मामलों की जांच परख करने के बाद ये बात सामने आई कि सरफराज मानसिक रूप से परेशान है, जिसके खिलाफ बांगूर नगर में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह बेरोजगार है, जिसकी वजह से अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है।
यही वजह है कि वे बदमाशी और अटपटी हरकतें कर लड़कियों को बहुत परेशान करता है। सरफराज के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो इससे पहले फिल्मों में कोरियोग्राफर हुआ करता था। इन दिनों वो रियल एस्टेट के कारोबार में सक्रिय है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। 87वां बलिदान दिवस मनाया समारोह पूर्वक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया याद, मोमबत्तियां जलाकर दी श्रद्धांजलि। चुनावी साल में घोषणाओं का लगा अंबार, होम गार्डों का बढ़ाया मानदेय, अनेकों संगठन पहुंचे, मुख्यमंत्री राजे का आभार जताने। आप पार्टी को मिली हाईकोर्ट से राहत, चुनाव आयोग की सिफारिश को किया खारिज, 21 विधायकों की अयोग्यता का है मामला। और जवाहर सर्किल पर असामाजिक तत्वों ने फूंकी कारें, कई गाड़ियों के तोड़े शीशे, पुलिस ड्यूटी अपराधियों की तलाश में। स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।